नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद अब सभी पार्टियां जमकर प्रचार अभियान में जुट गई हैं, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। चुनावी मुकाबले को अपने नाम करने के लिए सभी जमकर दावे, वादे, आश्वासन दे रहे हैं। और खास बात यह कि इस बार चुनावी रण में गारंटी शब्द का खूब इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर कार्यक्रम, अपनी हर रैली, चुनावी प्रचार में मोदी की गारंटी का जिक्र जरूर करते हैं। तो उधर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस 5 न्याय के 25 गारंटीज का ऐलान कर चुकी है। अब ऐसे में सवाल यह कि मोदी सरकार हो या फिर कांग्रेस पार्टी, 2024 में आखिर किसकी गारंटी में कितना दम है? आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सामने आए हैं सुनिए। पिछले 10 साल अन्याय काल से मुक्ति पाने के लिए जो अभी चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है। मोदी ने देश के गरीब, किसान, युवा और महिला सभी को सशक्त करने की गारंटी दी है। और ये गारंटी सिर्फ योजनाएं बनाने की नहीं है, बल्कि जो हकदार है उन तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने की भी गारंटी है। मोदी की गारंटी इस बात के लिए है कि देश का कोई भी परिवार अभाव में न रहे, इसलिए सरकार अपनी तरफ से लाभार्थियों के पास आ रही है, लाभार्थियों को जा जा करके खोज रही है, उन्हें योजनाओं से जोड़ रही है।